नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कहते हैं ना, चाह है तो राह है। अनूपपुर के दासनगर क्षेत्र के हर्ष गुलाइत ने ये साबित कर दिया कि हौसले के दम पर आसमा भी हासिल हो सकता है। जिसके पिताजी प्रभाकर गुलाइत कोल माइंस में सिविल इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। हर्ष एक ब्लाइंड बच्चा है जो अपने मामा के साथ नागपुर में रहकर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और इस वर्ष 10वीं की पढ़ाई पूरी की है। हर्ष गुलाइत ने कक्षा 10वीं में 92.6% की परीक्षा पास करते हुए पर महाराष्ट्र में दूसरा स्थान एवं ब्लाइंड स्कूल में प्रथम स्थान अर्जित किया। हर्ष गुलाइत एक ब्लाइंड बच्चा है और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हुए पूरे महाराष्ट्र से सेकंड पोजीशन हासिल की। हर्ष गुलाइत ने अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए पूरे कोलाचल क्षेत्र का मान बढ़ाया। हर्ष पढ़ाई के साथ साथ गाना बहुत अच्छा गाता है। हर्ष गुलाइत ब्रेल लिपि और ऑडियो सुनकर 10वीं की परीक्षा की है। जी एक्चुअली सर, ये बाई बर्थ मेरा बच्चा जो हर्ष गुलाइत है ये ब्लाइंड था। इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयत्न किए। मैं चेन्नई हॉस्पिटल, शंकर नेत्रालय, हैदराबाद सभी जगह घूमा, लेकिन इसके आँखों का एक्चुअल में रेटिना खराब होने से इसके आँखें ठीक होना संभव नहीं था। हम फिर उस समय काफ़ी निराश थे कि कहीं इसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा था। इसमें मैंने सबसे पहले उसको मनेन्द्रगढ़ स्कूल में पढ़ाया, क्लास 1-2 मनेन्द्रगढ़ में उसने अच्छा पढ़ाई किया, तो मैं इसको दिल्ली ले गया सर। दिल्ली में 2 साल उसको रखा, लेकिन वो दिल्ली में उतना बढ़िया प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। ब्लाइंड होने के कारण उसको वहाँ कोई सपोर्ट नहीं था, कोई उसको प्रेरणा देने के लिए कोई नहीं था, तो आखिर में मजबूरी में हम लोग फिर उसको नागपुर महाराष्ट्र में डाले। तो जब मैंने देखा सर ब्लाइंड स्कूल में वो क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ भी कॉम्पीट करके क्लास में वो नंबर 1 आता है, तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता था इसकी पढ़ाई को लेके। स्कूल के टीचर्स लोग भी काफ़ी इसकी तारीफ करते थे कि लड़का पढ़ाई में अच्छा है। यश देख के तो हम सबको तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, वही देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और उसकी मेहनत ही उसका बहुत उसका ये हुआ, और ब्लाइंड होते हुए भी उसने नॉर्मल बच्चों के साथ रह के अपना शारीरिक विकलांगता को उसने पीछे करके और अच्छे से मेहनत किया और वो फर्स्ट आया है महाराष्ट्र में, सेकंड और विदर्भ में फर्स्ट आया है। हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके ऊपर। बच्चे का नाम आपने हर्ष रखा था, आज वाकई उसने अपने नाम को चरितार्थ कर दिया। जी जी बहुत एकदम, उसके नाम के अनुसार उसने पूरा अपना हम सबको हर्ष कर दिया है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मो, तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तू गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरा। अनूपपुर से दीपक मेहरा की रिपोर्ट।